आप देख रहे हैं हमदर्द न्यूज का यूट्यूब चैनल हिंदी न्यूज HDN। खबर मुल्ताई से। होशंगाबाद रेंज IG दीपिका सूरी का बैतूल दौरा, मुल्ताई पहुंचकर किया निरीक्षण। होशंगाबाद रेंज IG दीपिका सूरी बैतूल दौरे पर आज मुल्ताई पहुंची। उनके साथ जिला SP सिमाला प्रसाद, एडिशनल SP नीरज सोनी, SDOP नम्रता सोंधिया, TI सुनील लाटा, संतोष पंद्रे सहित अन्य थाना प्रभारी एवं स्टाफ भी रहे उपस्थित। थाना मुल्ताई में पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा करते हुए IG दीपिका सूरी ने दिए पत्रकारों के सवालों के जवाब। बैतूल जिले में अधिकारियों की जो मीटिंग, उसमें मैडम आपने क्या पाया? ठीक है, इसमें पाने को कुछ नहीं है, मतलब ये आपकी रेगुलर समीक्षा होती है जो आप क्राइम की करते हो, तो अभी जो वार्षिक निरीक्षण है उसमें जो हम लोगों का भी रोस्टर बना होता है उसमें था कि क्राइम की समीक्षा, उसमें जो मैंने जो अच्छी चीज़ें देखी वो ये है कि जो लड़कियां जैसे जो गायब होती हैं, मतलब तो उसमें रिकवरी का परसेंटेज अच्छा है, मतलब आपके पूरे जोन में ही नहीं, मैं तो कहूँगी कि प्रदेश में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब मैं महिला अपराध देख रही थी तो IRLA मतलब यहाँ पे अच्छा है। बाकी अभी जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेज हैं उसमें भी अच्छी रिकवरी हुई है, तो और आगे तो एक तो आप ये देखते हो कि आपने क्या देखा, और दूसरा कि आप आगे की कार्यप्रणाली बनाते हो, तो ये है कि बाकी जो आपको मतलब हम लोग का ये रहेगा कि प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में तो रहेगा ही कि हम लोग अच्छी कार्रवाई करें, दूसरा हम लोग का ये रहेगा कि नारकोटिक्स में है, जुआ सट्टा में है, इसमें भी अच्छा हम खुश रहें, क्योंकि और ट्रैफिक का भी जो कोई प्रॉब्लम है, ट्रैफिक है या हो सकता है कुछ ट्रैफिकिंग की इश्यूज रहते हैं जो हमारी नज़र से नहीं ठीक तरीके से आ पाते, तो वो भी हम लोग उसमें देखेंगे कि सघन कार्रवाई। जैसा कि मैडम आपने भी बताया कि आपने ये अच्छी चीज़ देखी कि महिला और संबंध की अपराध, खासकर जो बालिकाएं गुम होती है, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस होती है। बुरा क्या पाया मैडम आपने? बुरा क्या पाया अभी आई थिंक, क्योंकि मेरे को भी अभी एक ही महीना हुआ है, तो ऐसे अभी ऐसा कुछ बुरा पाने का नहीं है, बट ये है कि क्योंकि जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में, जो एक मेरा फोकस था, मैंने देखा कि यहाँ पे मैं पिछली बार भी जब आई थी तो ऐसा कि अच्छी रिकवरी हुई है, और ये लड़कियों वाला भी, तो अभी और मैंने आपको बता दिया कि आगे ये हम लोगों को इस एरिया में काम करना है, तो ऐसा बुरा पाने का कुछ नहीं है, बट हम लोग को इसमें फोकस करना है। मैडम, हर अधिकारी का एक विशेष कार्य योजना होती है और एक विशेष उद्देश्य उसका होता है, तो आप मैडम यहाँ पे कुछ विशेष एक चीज पे ज़्यादा फोकस करेंगे बैतूल जिले? बैतूल तो नहीं, मैं कहूँगी कि जोन में ही रहेगा, तो ये भी है कि जैसे हम लोग का कन्विक्शन में अच्छा ध्यान रहेगा कि अपराधी को पकड़ा गया लेकिन उसको कन्विक्शन, तो इसीलिए हम लोग का जो जिस तरीके की कार्य प्रणाली होती है, जैसे जो घटना स्थल में उसमें जो साक्ष्य संकलन होता है वो प्रोफेशनल हो, अच्छा ये भी है कि जैसे उसको कहते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड पुलिसिंग, एक तो होता है आपका प्रिवेंटिव होता है और एक डिटेक्शन होता है, एक जो है कि एरिया में आप पता करो कि प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, तो जैसे ट्रैफिक की समस्या है तो आप देखते हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, और हो सकता है इसमें सिर्फ पुलिस अकेले नहीं बट सारी संस्थाएँ मिलकर के काम करें, तो वो ये रहेगा, और मतलब पुलिस का व्यवहार भी अच्छा रहे, तो बट जैसे ये है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी अच्छी होनी चाहिए। मैडम, हर जगह देखा जाता है आपके जोन में भी यही समस्या, पूरे प्रदेश की तरह, एक तो स्टाफ की समस्या और दूसरा जो छोटे कर्मचारी होते हैं उनके जो कार्य करने के जो घंटे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको लेके मैडम क्या आप कुछ सुधार करेंगे? इसके कारण तनाव में आते हैं मैडम, विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ सामने आती हैं। ये बात ज़रूर है, और ये आई थिंक हम लोग के विभाग में सब लोग समझते हैं कि जो आपका जो ये अनस्ट्रक्चर्ड आज ओवर कि मतलब कभी भी, ये नहीं है कि 9 to 5 है, कभी भी बुला लिया जाएगा, रात को भी है, हाँ 24 घंटे का है, तो उसमें और क्या कहते हैं, हम लोग के लोग सफ़र भी किए, हेल्थ की भी प्रॉब्लम होती है, तो इसमें ऐसे अभी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बिल्कुल ऐसी कोई मेरी स्पेसिफिक कार्य योजना नहीं है कि ये है कार्य योजना, लेकिन हम लोग देखेंगे किस तरीके से संवेदनशील हो करके जब लोगों को असल में छुट्टी की आवश्यकता हो तो मतलब हम लोग दें, तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग नहीं तंग करें तो वो अच्छा लगेगा। मैडम, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने एक दिन के अवकाश की घोषणा की थी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के लिए, मैडम क्या उसका अमल किया जा रहा है? मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। अच्छा मैडम, पत्रकारों के लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है पूरे जीवन में? ऐसा कोई ऐसा देखिए, पत्रकार तो आपके पॉजिटिव रोल भी प्ले करते हैं, नेगेटिव रोल भी करते हैं, तो पॉजिटिव बहुत अच्छी चीज़ ये रहती है कि हम लोग को सूचना प्राप्त हो जाती है, जैसे बोलते ही हैं कि डेमोक्रेसी के एक स्तंभ है, तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये भी देख मतलब और काफ़ी टाइम
पॉजिटिव रोल भी होते हैं, लेकिन एक आध कभी कभी जैसे हर विभाग में कोई ना कोई गड़बड़ रहते हैं, तो कभी कभी ऐसे लोग भी रहते हैं, तो हम लोग को भी सतर्क रहना जरूरी है। मैडम पुराने तो पेंडिंग अपराध है, आजकल कई ऐसे बहुचर्चित हत्याकांड भी है जिनको पर्दा जिसका पर्दाफाश नहीं हो पाया। बैतूल जिले में भी ऐसे काफ़ी खंगाली भी थे, उसका मैडम उन पर कहा उन पर भी जो है कि हम लोग ने सब जैसे SDOP से कहा कि आप अपने चैलेंज केसेस बताइए, क्योंकि ऐसे जो है जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में भी हैं और जो ऐसे आपने बताया, और इन लोग की भी हमने इन केसेस की भी जब केसेस देख रहे थे कल तो समीक्षा की, तो मतलब उसमें भी हम लोग ने स्पेसिफिक आदेश दिया कि मतलब हाँ उसमें भी पता रही अच्छी तरीके से और टीम बना करके, मतलब कुछ कुछ बहुत छोटे छोटे केसेस होते हैं जिसमें मेरे ख्याल से फरियादी वापस नहीं आता, जैसे मतलब ठीक है किसी का 7 साल का बच्चा भी गुमा है फिर वो वापस नहीं आए, बट उस सब में जो है फिर से एक तरीके से अलग रूप से उसको SIT बना करके देखने की जरूरत है। मैडम अभी वर्तमान में आपने जो बैतूल जिले में अधिकारियों से चर्चा की उनके कारण से संतुष्ट है, क्या चीज़ अभी जो चर्चा हुई आपकी सभी अधिकारियों से? हाँ जी। देखिए काम तो ये ऐसा होता है कि चाहे आप अपने बच्चों से कहें या अधिकारियों से, वो तो रोज़ रोज़ का काम होता है, तो इट इज़ नॉट कि संतुष्ट है कि नहीं, हम लोग को तो काम करना है, मतलब इट इज़ जैसे अपने बच्चों का भी हम लोग रिपोर्ट कर देते हैं तो हम लोग रोज़ कहते हैं कि आप थोड़ा मेहनत करो यहाँ पे वीकनेस है यहाँ पे, तो वो तो कंटिन्यूस है, तो इसमें ये आप मतलब इसको आप ग्रेड नहीं कर सकते हो, मैंने आपको बताया जहाँ पे अच्छे काम हो रहे हैं और जहाँ हमको जाना है, तो वो तो आपकी रोज़ रोज़ की कार्य योजना है। तो ठीक है मैडम, धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमदर्द न्यूज का YouTube चैनल हिंदी न्यूज HDN। लगातार खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना न भूलें।